नमस्कार, मैं हूँ क्षितिजा देशमुख और आप देख रहे हो BCN न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बात करने वाले हैं शहर के सूफी संत हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह के परिसर की। जी हाँ, शहर के ताजाबाद क्षेत्र में स्थित प्रख्यात सूफी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह की दरगाह सर्वधर्म समभाव की मिसाल है। खास बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी मिलकर बाबा ताजुद्दीन दरगाह की सेवा कर रहे हैं। नागपुर जिला सत्र न्यायालय द्वारा गठित 9 सदस्यीय हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में मुस्लिमों के अलावा हिंदू, सिख और पारसी समाज के प्रतिनिधि भी शामिल है। ये सब मिलकर यहाँ सेवा दे रहे हैं। देश भर से बाबा के चाहने वाले हर धर्म समुदाय के लोग ताजाबाद आते हैं। नागपुर ही नहीं बल्कि देश भर से आने वाले जायरीनों को ये श्रद्धा स्थल आकर्षित कर रहा है। यहाँ के परिसर में अब जिस तरह से सौंदर्यकरण किया जा रहा है, परिसर का रखरखाव हो रहा है, वो निश्चित रूप से ही काबिले तारीफ है। साथ ही श्रद्धालुओं को भी ये लुभा रहा है। तो इस दरगाह परिसर में किस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं, इसकी अधिक जानकारी हम जानने वाले हैं यहाँ के ट्रस्टियों से। तो चलिए। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ काफी इंतजाम किए गए। यही नहीं, असामाजिक प्रवृत्ति को भी यहाँ से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सुविधाएं है ताकि परिसर के बच्चों को कहीं दूर शिक्षा के लिए ना जाना पड़े या वंचित ना रहना पड़े। इसी के साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ कई कोर्स चलाए जा रहे हैं और इस संदर्भ में अधिक जानकारी दी गई है यहाँ के ट्रस्टी गजेंद्र पाल सिंह इनके द्वारा। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। देखिए, कैसा है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की जो ये दरगाह है, यहाँ हर धर्म का एक व्यक्ति आता है और मेरा जो यहाँ जो जुड़ाव जो हुआ, पहले काफ़ी पहले हम लोग यहाँ काफ़ी हम जो दोस्तों की जो हमारा ग्रुप था वो यहाँ पे ताजुद्दीन बाबा के दर पे आता था और सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा मीठानी बाबा दरगाह से था। तो जब इंटरव्यूज वगैरह हुए हम लोगों के ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ अपॉइंट हुए। अपॉइंट होने के बाद में मेरा जब मेरे जगह किसी और का इंटरव्यू हुआ था जो यहाँ पे नियुक्त हुए थे, हमारे सिख समाज से थे, लेकिन उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया तो उनकी जगह पे फिर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ। तो मुझे तो खाबो ख्यालों में भी नहीं था कि मैं ताजुद्दीन बाबा के ट्रस्ट का एक ना ट्रस्टी बनूंगा, लेकिन वो ताज बाबा का कहते हैं ना कि जिनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनको ताजुद्दीन बाबा यहाँ बुलाना चाहते हैं, जिनके हाथों से वो सेवा लेना चाहते हैं, उन्हीं को ताज बाबा यहाँ पे उन्होंने 9 ट्रस्टियों को अपॉइंट किया। और 9 जो ट्रस्टी हैं, हमारे 9 के 9 ट्रस्टी है ना टैक्स पेयर ट्रस्टी हैं, जिसके अंदर में सबसे पहले हमारे प्यारे खान साहब हैं, उसके बाद में हमारे सुरेंद्र जिचकार जी हैं, फारूक बावला जी हैं, ताज अहमद रज़ा हैं, उसके बाद हमारा इमरान भाई हैं, मुस्तफ़ा टोपी वाला है, मैं हूँ, हमारे एक खोजा समाज से बिरादरी से थे वो जो अभी जिनका इंतकाल हो चुका वो नहीं है। तो ये हमारे सभी ट्रस्टी लोग यहाँ पे इस तरीके से अपॉइंट हुए थे। अब यहाँ जो विकास कार्य जो पहले जो था और आज के विकास कार्य में नागपुर नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि क्या विकास कार्य हुए ये ट्रस्ट आने के बाद में। और पिछले 3 साल से जो हमारे ट्रस्ट यहाँ जो कार्य कर रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा पहले गुंडागर्दी थी, यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी, यहाँ लोग आने के बाद में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे लोगों को। आपने देखा होगा पहले के लोग ना 6 बजे के बाद में ताजबाग आने के लिए कोई भी ऑटो वाला या कोई भी गाड़ी वाला यहाँ आने के लिए डरता था, कहते थे कि यार यहाँ जाओ तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन आज की तारीख में रात को 2 बजे भी किसी ऑटो वाले को स्टेशन से या बस स्टैंड से बोलेंगे तो यहाँ आने के लिए हिम्मत करता और आता है। और जिस तरीके से यहाँ वातावरण है, स्वच्छ तरीके का वातावरण, यहाँ पहले गांजा बहुत बिकता था, गांजा पूरी तरीके से अगर आप पूरी परिसर में घूमेंगे तो गांजे की कहीं आपको स्मेल नहीं आएगी। नहीं तो पहले बाहर से जो लोग आते थे यहाँ आने के बाद में देखते थे कि नहीं यार गांजे चारों तरफ महकता था यहाँ गांजा, लेकिन आज वो उस तरीके से पूरा साफ सुथरा हो गया। और हमारा ट्रस्ट का मोटो यही है कि जो भी जायरीन जो आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको यहाँ अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले वो, ताकि यहाँ एक स्वच्छ वातावरण में आके यहाँ अपनी जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना मांगने के लिए उन लोगों को अच्छा स्पेस मिले, यहाँ बैठे यहाँ के वातावरण में आके खुश होकर जाए, ना कि कोई जाहिर आने के बाद में कोई दुखी होके जाए। अब जब से हमारी जो ट्रस्ट है यहाँ, हमको तो नहीं लगता कि यहाँ से कभी कोई जाहिरी नाराज होके गया। यहाँ 20 से 25 लाख लोग आते हैं कि आपने पिछले बार भी देखा होगा, 3 साल से 3 उर्स हो गए हमारे ट्रस्ट के, इसमें चोरी का एक भी मामला आपको नहीं मिला होगा।
नहीं तो पहले की जब टूर्स होता था लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते थे, पर्स चोरी हो जाते थे, बच्चे तक चोरी होते थे यहाँ से उर्स के समय पे। लेकिन ये 3 साल के पीरियड में आप है ना पुलिस स्टेशन में से भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी मामला यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रस्ट उस तरीके से काम करती है और पुलिस प्रशासन हमको पूरी तरीके से मदद करता है यहाँ पे। और ट्रस्ट का मोटो है कि आने वाले समय में हम यहाँ पे जो विस्तार है, जैसे कि हमारा बेड का हॉस्पिटल का हॉस्पिटल हम लोग बनाने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उसका मंजूरी मिल चुकी है, हॉस्पिटल बनेगा यहाँ, स्कूल है, प्ले स्कूल हो गया, अभी हम लोग MSCIT का हम लोग यहाँ पे फिर से अपनी जो ITI जो ताजबाग ट्रस्ट के अंदर में जो चलती है वहाँ पे MSCIT का और स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी कोर्सेज है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हम लोग यहाँ पे भी उसको भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को यहाँ हॉस्टलाइज फैसिलिटी मिल सके, उनको ट्रेड सिखाया जाए और बच्चों को रोजगार मिले। यही हमारे ट्रस्ट का मोटिव है। आने वाले समय पे हम लोग जो आगे करेंगे ये 3-4 और हमारे ट्रस्ट के लिए ये हमारे मेन मुद्दे हैं जो कि हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं और आप लोगों को धरातल पे भी ये चीजें दिखेंगी। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी ताज अहमद राजा ट्रस्ट के सेक्रेटरी है। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि बाबा की सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और आने वाले लोगों को यहाँ सभी तरह की अच्छी सुविधा मिले ताकि आने वाला श्रद्धालु यहाँ से खुशी खुशी वापस लौटे। इसी उद्देश्य से यहाँ पर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि जायरीनों के लिए रुकने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसी के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कई इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही अधिक जानकारी साझा की है ताज अहमद राजा द्वारा। आइए डालते हैं एक नज़र क्या कहा उन्होंने। समय पहले मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में सेक्रेटरी ताज अहमद राजा, बचपने से ये इच्छा थी कि यहाँ पे एक अच्छा काम होना चाहिए, एक विकास का एक अच्छा काम होना चाहिए। और हमारे बचपन से ही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर रहे तो कैसा है कि वहाँ की जो रूपरेखाएँ रहती है उस तरीके से वो सिचुएशन में आदमी ने काम करने वाला। लोगों ने अनेक तरीके से हम लोगों के ऊपर में आरोप लगाए, लेकिन कैसा है, आरोप कोई बेबुनियाद है। और दूसरी बात कैसा है कि हम लोग वो खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो देने वाली खानदान है, लेने वाली खानदान नहीं है। हाल ही में हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन तुर्की गए थे, मैंने उनसे फ़ोन किया कि भाई, मैंने बोला वहाँ कुछ अगर अच्छी चीज़ होंगी तो बाबा के यहाँ पर अपने को कुछ चढ़ावा देना है। तो प्यारे खान साहब बोले कि मैं देखता हूँ करके। तो उन्होंने वहाँ पर छतरी पेश किए, उसका उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि भाई ये बोले इतने इतने पैसे की होती है, अगर आपको अगर देना है तो इतने इतना पैसा मेरे को दो। तो उस तरीके से हमने इनको 4.5 लाख रुपये प्यारे खान साहब को दिया और उन्होंने हमारे पैसे से जो है वो यहाँ पर छतरी गिफ्ट दी। तो हमने यहाँ पर एक बाबा हुजूर के यहाँ, मैंने सेक्रेटरी होते हुए एक बाबा का श्रद्धालु होते हुए यहाँ पर एक छतरी यहाँ पर तुर्की से ला के यहाँ पर गिफ्ट की गई है, जिसमें कि प्यारे खान साहब ने वहाँ से लेकर आए और हमने यहाँ पर लगाया। कब से आपकी इच्छा थी या फिर कुछ आपने सोच के रखा था ऐसी? साहब मैं जब ट्रस्टी बनूँ तो बाबा जान में मैंने एक मन्नत मांगी थी कि बाबा के यहाँ पर कुछ मेरा अगर यहाँ इंतखाब हो जाता है, मेरे को यहाँ काम करने की सेवा भाव से मेरे को मिल जाती है तो मैं यहाँ पर एक अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ डोनेशन मेरे से जो भी बनता है वो मैं करूँगा करके। ये मेरे में हमेशा एक बना हुआ था दिल में कि बाबा के यहाँ कुछ देना चाहिए, तो वो हमने दिया। लाखों लोगों का श्रद्धा स्थान माने जाने वाले बाबा ताजुद्दीन बड़ा ताजबाग क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देख यहाँ हर साल लाखों भक्त बड़े पैमाने पर दर्शन के लिए आते हैं और इसी दृष्टिकोण से यहाँ कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आज के स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला है यही रुकने का। ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।